सुप्रभात के जो संस्थापक हैं विपिन आहूजा जी, वो हमारी कन्फेडरेशन के दिल्ली के अध्यक्ष हैं, जिन्हें 8-10 सालों से वो लगातार हमें बताते रहते हैं कि सुप्रभात की क्या प्रक्रिया, सुप्रभात के मेंबर कौन लोग, समय समय पर सुप्रभात क्या काम करता है, पकड़ ले बेटे, और समाज के बिल्कुल जीर्ण अवस्था वाला जो वर्ग है उसके लिए सुप्रभात ने क्या किया, कोरोना के अंदर सुप्रभात ने जो कुछ किया वो जो के सामने है, तो भला ऐसे संगठन से कौन नहीं जुड़ना चाहेगा। ये हर व्यक्ति का सौभाग्य होगा यदि जो वास्तव में काम करने वाले संगठनों से जुड़े। आज ये ऐसा अवसर आया कि विपिन आहूजा जी का आज जन्मदिन है और सुप्रभात के सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं, तो मुझे लगा इससे बढ़िया अवसर सुप्रभात की सदस्यता लेने का हो नहीं सकता। मैंने मेरी बात सुप्रभात को कही है, अब वो सुप्रभात के क्या नियम है, क्या कानून है, अगर मैं उन नियमों पर के अंतर्गत यदि मैं फिट रहता हूँ तो मैं इंतजार करूँगा सुप्रभात का कि वो मुझे एक सदस्य के रूप में अपने साथ शामिल। थैंक यू सर, थैंक यू। देखिए परवीन जी बहुत एक अद्भुत व्यक्तित्व के मालिक, उनकी दूरअंदेशी जो है वो एक ऐसा लेवल है कि वो अपने आप ऑटोमेटिकली सब कुछ जान लेते हैं। उन्हें सुप्रभात के बारे में पहले से मालूम है कि सुप्रभात एक निस्वार्थ समाज की सेवा में लगा हुआ, और ऐसी जगह जहाँ पर इतने अच्छे अच्छे काम होते हैं तो वो उस चीज़ को बहुत हमेशा अप्रिशिएट करते हैं। और आज वो मेरा जन्म दिवस मेरे मिशन चैरिटी ने आज केक काट के यहाँ मनाया, तो परवीन जी को जैसे पता लगा तो उन्होंने कहा इससे बढ़िया मौका क्या होगा कि विपिन के जन्मदिन भी मनाऊंगा और साथ में सुप्रभात के अंदर मैं बोलूँगा कि मेरी एप्लीकेशन लो मुझे मेम्बर। तो सुप्रभात तो क्या करेगा, उसे अपना एक ऐसा सांसद मिलेगा जो इस क्षेत्र के अंदर इतने रौनक और हर तरीके जगमग कर देगा, अपने कार्यों से यहाँ की काया पलट देगा। और वो निश्चित तौर पे जैसे एक ने हमारे मांग रखी राजू जी ने कि भाई सुप्रभात के लिए भी कोई खास जगह, उन्होंने कहा आप देखते जाओ। तो हमें तो गर्व है कि हमें ऐसे सांसद जो है मिलने जा रहे हैं, वो खाली सीमित नहीं रहेंगे, वहाँ तक सांसद तक नहीं रहेंगे, वो तो डेफिनेटली बहुत जल्दी मिनिस्टर बनने वाले। सो हम लोगों की इससे बड़ी खुशी क्या होगी कि हमारे अपने सांसद जो है ये सब बनने जा रहे हैं। एक आखिरी सवाल मैं पूछता हूँ, आप कैट में भी जुड़े हैं और सुप्रभात सामाजिक कार्य भी कर रहे हैं, क्या रोड मैप है व्यापारियों की, अगर हम बात करें विपिन आहूजा जी ने क्या रोड मैप तैयार किया है किसके बारे में, प्रवीण खंडेलवाल जी को जिताने के लिए? देखिए यहाँ पे क्या है, निश्चित तौर पे अगर मैं बात करूँ तो हम हर हालत में जीते हुए, लेकिन हमें जो तय करना है कि हमें कितने बड़े मार्जिन से जीतना है, ये हमारे लिए जो जिसके लिए हमें अपने कार्य को बड़ी तेजी से बढ़ाना है, उसके लिए जो है हमने अगर बात करें कि हमारे अपने जो इस क्षेत्र के निवासी, तो घर घर जो है सुप्रभात की टीम जाएगी जहाँ पर परवीन जी के बारे में सब बताएगी। ऐसे व्यापारियों की बात करें तो बीना मैं कैट प्रेसिडेंट, मुझे उस क्षेत्र को अपने जो व्यापारी क्षेत्र है उसकी मुझे दुकान दुकान पे जाना पड़ेगा। और सबसे बड़ी खुशी की बात है हर कोई जानता है, पर हमारा कर्तव्य है कि हम अपने कोई कमी ना छोड़ें।